जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस। जहां दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो आपकी 2024 का जो है री एग्जाम होना है, तो उसमें पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके और जीएस। जहां दोस्तों स्टैटिक जीके और जीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले पेपर के लिहाज से अगर देखे जाएँ, तो यहीं से आप ये समझ लीजिए कि आपको 3 से 4 प्रश्न जो है आपको इसी एक वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे प्रश्नों का जो है कलेक्शन किया गया है, तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहली स्लाइड की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम पहली स्लाइड की ओर और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर। और आपका पहला प्रश्न आपका है कि विश्व मानव अधिकार दिवस। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है यह दिवस आपका मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस से क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर वही प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, तो प्रश्न नंबर 2 आपका है कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश ने जो है नागरिकता हासिल हुई थी, तो सोफिया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में जो है एक सोफिया नाम का रोबोट था जिसको जो है नागरिकता जो है दी गई थी। अगर वही प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, तो यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा जा चुका है, तो प्रश्न नंबर 3 आपका है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में जो है इन्होंने पहला अपना जो है जन भाषण दिया हुआ था। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि डीआरडीओ। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा जो है विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का क्या नाम है। जी दोस्तों, एक विकसित जो आपका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का क्या नाम है, तो पिनाका। जी हाँ दोस्तों, पिनाका जो है आपका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो महबूब उल हक ने जो है इसको जो है विकसित किया हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, वर्ष 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, तो बंगाल। बंगाल जो है उस समय ब्रिटिश का जो है सबसे बड़ा प्रांत था। अगर हम बात चलें अगली स्लाइड की ओर और प्रश्न नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में यह मुख्यालय आपका स्थित है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर आपका 8 है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1972 को जो है इस प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। अगर वही प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, तो UFO। जी हाँ दोस्तों, UFO यानी कि कह सकते हैं आप जो है अनआइडेंटिफाइड फाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यह इसका जो है फुल फॉर्म है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जो है जिम्मेदार होती है, तो सेबी। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं जो आपकी सेबी होती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी जो आपका सेबी है वही जो है स्टॉक मार्केट के लिए जिम्मेदार आपकी होती है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 11 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी, तो 5 फरवरी 1922। जी हाँ दोस्तों, 1922 को जो है यह घटना घटित हुई थी। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर 12 आपका है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का जो है शुभ आरंभ किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है भारत में जो है रेलवे का शुभ आरंभ किया गया था। अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 13 की, तो प्रश्न नंबर 13 भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 आपका है कि भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में यह बंदरगाह आपका स्थित है। अगर वही प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 14 आपका है कि भारत में केंद्र शासित, यहाँ दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8। अगर वही अगले प्रश्न की बात की जाए, तो अगला प्रश्न आपका है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, एक नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 आपका है कि भारत में, जी दोस्तों, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो कांडला आपका जो है गुजरात में स्थित है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका है कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है,
तो बाबा साहब जो आपका अंबेडकर हवाई अड्डा है वो नागपुर महाराष्ट्र में आपका स्थित है। अगर वही प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 18 में है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, 7 अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है भारत में की गई थी। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, और अगली स्लाइड आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगर वही प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश राज्य की, जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है स्थापना कब की गई थी, तो 15 जनवरी 1971 को जो है इस राज्य की स्थापना की गई थी। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 21 की, पौधों को सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा। जी हाँ दोस्तों, चिकनी मृदा से जो है सबसे ज़्यादा जो है जल प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 22 है कि झीलों की नगरी, जी हाँ दोस्तों, झीलों की नगरी जो है किस शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका है कि अल्पना भारत के किस राज्य की मुख्य लोक कला शैली है, तो पश्चिम बंगाल। जहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यह जो है मुख्य लोक कला शैली है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया। जहाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जो है भारत सबसे आपका स्थित है। अगर वही बात की जाए एशिया के बारे में, तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25 आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम में यहाँ आपका हवाई अड्डा स्थित है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 26 की, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक जी। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक जी द्वारा जो है इस धर्म की स्थापना की गई थी। अगर वही प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लेगी बेयर्ड। जी हाँ दोस्तों, जे एल बेयर्ड द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार जो है किया गया था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। अगर वही प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए कि वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा जो है दिया हुआ था। अगर वही प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए, तो प्रश्न नंबर 30 भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके ये 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीपी के एग्जाम के लिहाज से अगर देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको जो है 5 से 10 नंबर का फ़ायदा आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।